लगता है तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्यों, अब क्या कर दिया मैंने? तुमसे कितनी बार बोला है कि गेट पर खड़े मत होया करो, पर बात तुम्हारे भेजे में भरती ही नहीं। घर में पड़े पड़े बोर हो रहा था मैं, यहाँ आकर इसलिए खड़ा हो गया कि चलते फिरते आदमी दिखाई देंगे तो थोड़ा मन लग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मुझे मत समझाओ, तुम जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। तुम्हारे जैसे पति बिल्कुल टेबल फैन की तरह होते हैं, एक बार न ढीला हो जाए तो जिंदगी भर हवा दूसरी ओर ही देते हैं। भैया 500 की चेंज दो ना। अरे भैया कितना भी घूर लो लेकिन गांधी जी कैटरीना कैफ नहीं बन जाएंगे। चल दोनों साथ में चाय पियेंगे। ना मैं काली हो जाऊंगी। हाँ रोज मेरा खून पी रहे जब तो लाल न हुई। अरे तू लगती होएंगी शिल्पा सेट्टी साड़ी में, तेरा यार भी पड़ता है आरी बारी में। तर कुछ रुपये दे जाइए। कुछ रुपये? हाँ 10 दिन पहले तो दिए थे वे कट गए, खत्म हो गए इतनी जल्दी। और कितने खर्च करे? यो ले साहब। अच्छा पर्ची बना रखी सके, यो ठीक करया, ले दिखा। अच्छा 3000 रुपए दूध, 900 रुपए बे जे के खे, 4500 सब्जी, 1100 रुपए भे जे के खे, 3500 काम वाली, 800 रुपए भे जे के खे, 6000 रुपए किराना के, 1500 रुपए भे जे के खे। यार ये भे जे के खे, भे जे के खे खा गया सारे पैसे, 4 बार आ गया भे जे के खे, के है यो? भे जे के खे का मतलब है भगवान जाने कहाँ खर्च हुए। डार्लिंग मम्मी आप क्यों काम कर रही हो? क्या करूं? तेरी बीवी तो कुछ काम ही नहीं करती है, सारा काम तो मुझे करना पड़ता है। ऐसे कैसे नहीं करती है, मैं देखता हूँ उसको, चलो मेरे साथ। अंजलि क्या है वो आज के बर्तन मैं कर लूँ? हाँ जाओ जाओ ना। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पागल हो, तुम्हारे होते हुए मेरे आसपास कोई और परेशानी आ सकती है? बात कुछ समझ न पाए। लो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। देखो ये रोज रोज के झगड़े अच्छे नहीं लगते। एक काम करो, थोड़ा तुम समझौता करो, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। ठीक है बोलो क्या करना है। तुम मुझसे माफी मांग लो और मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। बहन कहाँ जा रही है? भाई आपको क्या लगता है, मुझे याद नहीं है मैं आपके लिए राखी खरीदने जा रही हूँ। सच्ची? पर इतना जल्दी क्यों लेने जा रही है बहन? क्योंकि भाई बाद में महंगा मिलेगा। बस नफरत है तुमसे, क्या है क्यों है कैसे है ये नहीं जानते, बस नफरत है तुमसे, नफरत है तुमसे, नफरत है तुमसे। मम्मी दादी आ गई। दादी यार ओविन तुम बहुत फनी हो। वैसे मैं हैंडसम भी हूँ। देखो मैंने कहा था ना तुम बहुत फनी हो। भाई सुन ना। हाँ बोल, मुझे राखी पर क्या गिफ्ट दे रहा है? मम्मी आज फिर खाना नहीं बनाया, तबीयत खराब है मेरी, मैगी बना के खा लो। अरे हाँ मामा का फोन आया था, वो आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताई? दही पनीर मिठाई लेने जा रही हूँ, आके खाना बनाऊंगी, घर साफ रखना। हेलो वॉशिंग मशीन वाले भैया, तुम्हारी हम शिकायत करेंगे, फिर हमारी मशीन नहीं चल रही। प्लग लगाया है? हाँ लगाया है। बिजली है? बिजली तो 2 दिनों से हमारे मोहल्ला में नहीं है। रख फोन रख पागल औरत।
बोकू माली स्मोक मा बैक स्मोक मा मिक्स की गोली लो खिच खिच लो करो भैया क्रीम है कैसी क्रीम चाहिए केक बनाने वाली या चेहरे पे लगाने वाली चेहरे पे लगाने वाली हाँ है बढ़िया वाली है ना हाँ हाँ है मतलब जिससे गोरे हो जाएं शक्ल ही बदल जाए हैंडसम लगने लगे छोटू बढ़िया वाली क्रीम लेगा बढ़िया वाली है ना हाँ हाँ है तो अपने मुंह पे लगा लो रोज आपको देख के डर जाती हूँ भैया मैं अरे ये खाली बैग लेके मायके क्यों जा रही हो अरे बाबा राखी पर जा रही हूँ भैया के यहाँ पे आते वक्त बैग भर के लाऊंगी कौन है ये लोग